उसमें ओपनली लीडर्स ने बोला है कि हम लोग हैं गुंडे, तो अगर आप मान ही रहे हैं आप गुंडे, तो आपका जगह भी वहाँ होना चाहिए जो गुंडों की होती है, जेल में। पुलिस को महापंचायत से धमकी मिलती है कि तुम आओगे अपने पैरों पर, लेकिन वापस कैसे जाओगे ये हमारी जिम्मेदारी। यात्रा निकाली गई है, उसका क्या नारा था? उसका नारा था कि मोनू भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप किस बात के लिए उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं? हिंदुत्व के देश में दलित कैसे सांस ले रहा है, मुस्लिम कैसे सांस ले? मोनू मानेसर को बचाने में लग जाएगी तो आम जनता है वो पुलिस की इज्जत क्यों करे? वो मानते हैं कि वो गुंडे हैं। और ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ जिसको ये बीजेपी शह दे रही है। देखिए, हमको इसमें साफ तौर पे देखने को मिलता है कि किस तरीके से पुलिस का पूरा संरक्षण में ये सब चीज़ हो रहा है। वरना आप मानिए कि पुलिस को महापंचायत से धमकी मिलती है कि तुम आओगे अपने पैरों पर, लेकिन वापस कैसे जाओगे ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बेसिकली धमकी मिलती है पुलिस के ऑफिशियल्स को कि तुम्हारा टांग तोड़ के हम लोग तुमको वापस भेजेंगे। पब्लिक ऑफिशियल्स जो अपना ड्यूटी एग्जीक्यूट करने का कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा लोग जो हत्या के लिए वांटेड हैं, उनके घर में जाकर तहकीकात कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को आप धमकी दे रहे हैं कि अगर आप वायलेंस के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो तुम्हारा टांग तोड़ देंगे। और इस बात पे दिल्ली और इस बात पे हरियाणा पुलिस क्या करती है? कुछ नहीं करती है। अगले दिन नाम हटा लेती है मोनू मानेसर का। अगर यही रोल, यही पुलिस का कामकाज है कि पुलिस लॉ का रक्षा करके बजाय, लोगों का रक्षा करने, सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होने के बजाय अगर मोनू मानेसर को बचाने में लग जाएगी, बजरंग दल के गुंडों को बचाने में लग जाएगी, तो आम जनता है वो पुलिस की इज्जत क्यों करे? अगर पुलिस अपना काम नहीं कर सकती है, जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती है, लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती है, तो पुलिस का काम क्या है? इस तरीके का कामकाज कि जो उनको हरियाणा सरकार से हिदायतें दी जा रही हैं, या बजरंग दल के गुंडे जैसा उनको जहां जाने को कह रहे वहां चले जा रहे हैं, जो शब्द उनके मुँह में वही शब्द बोल दे रहे हैं, अगर यही करना होता तो पुलिस में क्यों है? क्यों पुलिस का नाम खराब कर रहे हैं? ऐसे बहुत सारे पुलिस ऑफिशियल्स हैं जो तमाम देश की पुलिस में, जिन लोगों ने जस्टिस की खोज में, सच की तलाश में लोगों को सिक्योरिटी देने की वजह से अपनी जानें गंवाई हैं। और एक हरियाणा पुलिस है जो मोनू मानेसर का नाम हटा देती है अपने लिस्ट में से। हमको बहुत बोला जाता है, पुलिस ने नाम हटाया है, हरियाणा जी सॉरी राजस्थान पुलिस ने, हमको बहुत बोला जाता है कि आप पुलिस के खिलाफ हैं। हम पुलिस के खिलाफ एकदम नहीं है। जब तक पुलिस अपना काम कर रही है हम उनका सपोर्ट करेंगे। इस तरीके का वायलेंस को कर्ब करने के लिए जो स्टेप्स वो लेंगे हम उनका सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब पुलिस ही गवर्नमेंट का हितैषी हो जाती है, जब पुलिस ही बजरंग दल जैसे गुंडों की बात बोलने लगती है, तो ऐसी पुलिस पुलिस नहीं है, वो बस चमचे हैं। जैसे मोदी जी अडानी के लिए काम करते हैं, पुलिस मोदी जी आरएसएस के लिए काम करते हैं। महापंचायत बुलाई जाती है, इसमें क्या कहेंगे? इस तरह की जो पंचायतें अक्सर होती है, जब लोग बाहर आते हैं। हमको लगता है कि इस तरीके का महापंचायत जब भी होता है, चाहे वो धर्म संसद हो या अभी जो हम लोग महापंचायत देख रहे हैं, अगर आप उस महापंचायत को हम लोग कवर करते हैं तो हमको वो अपना सच्चाई, अपने आप का पर्दाफाश खुद ही कर देते हैं। आस्था माँ वेडनेसडे को कहती हैं कि हाँ, बजरंग दल के लोग तो होते हैं गुंडे, वो मानते हैं कि वो गुंडे हैं। जो ग्रुप रिस्पॉन्सिबल सिस्टम पर टांगे काटने की बात हो रही है, सिस्टम इतना लाचार है, क्यों है इतना लाचार? ये सवाल तो हम भी पूछ रहे हैं कि सिस्टम को इतना लाचार क्यों बना दिया गया है? संविधान या फिर लॉ की किताबों में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस को दी जाती है, आज पुलिस क्यों अपना काम नहीं कर पा रही है? ये कैसी सरकार है पावर में, राजस्थान में, हरियाणा में, सेंटर में, कि वो गवर्नमेंट पुलिस ऑफिशियल्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए जिम्मेदार होते हैं वही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं? हम सबको सोचना चाहिए कि वो कैसा डर है जो पुलिस को सता रहा है। ऐसा ऑफिशियल्स जिनके पास तमाम तरीके का स्टेट का अधिकार होता है, वो लोग डरे हुए हैं। अगर वो लोग डरेंगे तो आम जनता का क्या अधिकार होगा? बार बार हमेशा सवाल होते रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में लोगों पर जुल्म होता है, गाय के नाम पर मारा जाता है, बच्चा चोरी के नाम पर मारा जाता है। अगर एक ही नजर से मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे और उस कत्लेआम को बचाने के लिए उन लोगों को संरक्षण देंगे, तो उनको उसी नजर से एंटी मुस्लिम, एंटी डेमोक्रेसी, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी इंडिया नजर से देखा जाए। यहाँ पे आप एक शायद आपने पोस्टर कैप्चर किया होगा जिसमें पूछा जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि गौ हत्या नहीं लेकिन इंसान हत्या सही। हम यही पूछना चाहते हैं, एकदम सही बात है कि जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि सड़कों पे गाय पड़ी रहती हैं, उनकी हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है, बहुत खराब हेल्थ रहता है, एकदम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को लेना चाहिए कि जितने भी जानवर हैं इस देश में जिनको प्रॉब्लम्स हो रहा है उनका आप ध्यान रखिए। लेकिन क्या आप उन जानवर को बचाने के लिए इंसानों को मार देंगे?
क्या हम इस दौर में पहुंच गए हैं कि इंसानों को मारा जा सकता है? ऐसा कानून बनना चाहिए, मुसलमान जो गाय को हाथ ना लगाए ना उसको रखे ना पाले, ऐसा तो चाहते हैं संघ के लोग, चाहते हैं कि इस तरह का बात बोले, लेकिन आप कभी देखिएगा ये कभी पॉसिबल हो नहीं पाएगा, क्योंकि जिस दिन इस तरीके ये इम्प्लीमेंट हो जाए उनका धंधा बंद हो जाएगा। उनको प्रॉब्लम इस चीज़ से नहीं है कि गाय का क्या हालत हो रहा है, अगर उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम होती तो अलग अलग स्टेट्स जो क्लेम करते हैं कि हम लोग गाय को बचाना चाहते हैं वो शेल्टर्स बनाते, काउ शेल्टर्स बनाते। काउ शेल्टर्स जो जितने यूपी में हरियाणा में है वहाँ पे कितना फंडिंग जाता है, इसके ऊपर बहुत सारा कामकाज है कि वहाँ पे गाय पड़ी हुई है, उनकी मौत हो रही है, इतने सारे डिजीजेज हो रहे हैं। तो गाय का बात नहीं है, बात इस चीज़ का है कि दलित कैसे सांस ले रहा है इस देश में, हिंदुत्व के देश में दलित कैसे सांस ले रहा है, मुस्लिम कैसे सांस ले रहा है, ये भी लोग सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, जो YouTube चैनल वो नाम से चलाते हैं उसमें तो ओपनली पोस्ट करते हैं कि देखिए आज हम लोग इतने सारे लोगों को पकड़े, इतने सारे गायों को हमने बचाया है, और एकदम वो अपना वायलेंस को एडवोकेट करते हैं। जो कल महापंचायत हुई, परसों जो महापंचायत हुई है उसमें ओपनली लीडर्स ने बोला है कि हम लोग हैं गुंडे। तो अगर आप मान ही रहे हैं आप गुंडे, तो आपका जगह भी वहाँ होना चाहिए जो गुंडों की होती है, जेल में। तो आप जेल में जाइए अगर आप गुंडे हैं। तो अगर कोई गौ तस्करी कर भी रहा है तो ये कितना सही है कि आप उसको जो है इस तरीके से मौत के घाट उतार दे रहे हैं? क्या कानून को अपने हाथ में लेना इतना आसान हो गया है? यही सवाल है कि मॉब जस्टिस जो मतलब नॉर्म हो चुका है, किसी को लगता है कि ट्रेन में कोई अगर इंसान जा रहा है, लगता है कि मुसलमान जैसा दिख रहा है, तो उसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है, उसका हैरेसमेंट हो सकता है, उसको मारा पीटा जा सकता है। सोचिए, ये पहली बार नहीं है अखलाक का हत्या होता है, उसके बाद उनके दोषियों को पकड़ने के बजाय उनके फ्रिज में ये चेक किया जा रहा था कि कौन सा मांस है। एक और घटना है जिसमें लिंच करने वाले लोग जब वो बाहर निकलते हैं, उनको देश का केंद्रीय मंत्री, भाजपा सरकार का मंत्री, वो बाहर निकले हुए जो गुंडे रहते हैं उनको माला पहना के मिठाई खिला के स्वागत करते हैं, और उन लोगों को NTPC में नौकरियाँ मिलती है। और अभी मोनू मनीसर के समर्थन में जो महापंचायत हुई है ये उसी कड़ी का नतीजा है। यहाँ इसी जंतर मंतर से कुछ महीने पहले मुसलमानों का कत्लेआम करने की बात की गई थी और उन पर कोई सजा नहीं हुई, उनको कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई FIR नहीं हुई। अब आगे की बात रखने के लिए कॉमरेड धनंजय JNU के स्टूडेंट है, वो आएंगे। धनंजय भाई, पहले तो थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा प्लीज। आज जितने भी छात्र आए हैं हर एक अलग अलग यूनिवर्सिटी से, उनको शुक्रिया है कि आप ऐसे वक्त में खड़े हैं और लड़ाई कर रहे हैं जहां पे मुसलमान को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ लगातार हमला किया जा रहा है, उनको मॉब लिंचिंग के नाम पर मार दिया जा रहा है, कंगारू कोर्ट लगाया जा रहा है और मार दिया जा रहा है। और नरेंद्र मोदी की सरकार में, इस BJP की जो दोबारा सरकार आई है, और दोनों टर्म ही ऐसे रहे कि जहाँ पे कोशिश की गई कि मुसलमानों को मारो, उनको दोयम दर्जे का नागरिक बनाओ, और जो लोग मार रहे हैं उनको शह दिया जा रहा है, उनको नौकरियां दी जा रही हैं, उनको माला पहनाया जा रहा है, और उनको उनके स्वागत में यात्रा निकाला जा रहा है। ये जो घटना हुई है हरियाणा में, उसके बाद जो यात्रा निकाली गई है उसका क्या नारा था? उसका नारा था कि मोनू भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप किस बात के लिए उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं कि एक और हत्या हो देश में? आप इस बात के लिए उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं कि कोई मुसलमान अगर सड़क से गुजर रहा हो तो उसको मार दो, उसका मॉब लिंचिंग कर दो? आप इस बात के लिए आगे बढ़ाना चाह रहे हैं अपने मोनू भाई को? हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को, मोनू मनेसर जैसे लोगों को, बजरंग मुनि जैसे लोगों को, जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ लगातार हमला करते हैं, लगातार उनके खिलाफ बोलते हैं, उनको सजा हो। हम इस देश को देखते हैं कि हम एक बात करते हैं हमेशा इस देश की आज़ादी के बाद से कि ऐसा एक कंपोजिट कल्चर वाला देश है कि जहाँ हिंदू मुसलमान और तमाम लोग, तमाम धर्म के लोग साथ रहते हैं, धर्म निरपेक्षता के एक बैनर तले सब साथ रहते हैं। लेकिन वही कुछ लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, और ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ जिसको ये BJP शह दे रही है, जो नए संविधान के खिलाफ जिसमें लिखा हुआ है धर्म निरपेक्षता की बात, और उसके खिलाफ जाकर BJP, बजरंग दल, VHP ऐसे देशद्रोही संगठन मुसलमानों को मार रहे हैं और इस देश के संविधान को तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं। आज बहुत लोग हैं जो इसके खिलाफ खड़े हैं, जो लगातार बोल रहे हैं, और हर कैंपस के छात्र, जो छात्र सोचते हैं एक प्रगतिशील विचारधारा में सोचते हैं कि नहीं, ये मुल्क एक मुस्तरका मुल्क है जहाँ पे हर कम्युनिटी के लोग एक साथ रहें, मोहब्बत के साथ रहें, प्रेम के साथ रहें, वहाँ पे एक हत्या करने पे तुले हैं, वहाँ पे मारने के लिए तुले हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ आज यहाँ पे लोग आए हैं। इसलिए मैं तमाम लोगों को सलाम करता हूँ, इनकलाब जिंदाबाद करता हूँ, जय भीम करता हूँ और जय हिंदुस्तान करता हूँ। शुक्रिया।